तासुफ है, मेरा जन्म ग्वालियर में 1952 की मेरी पैदाइश है और मेरी शिक्षा दीक्षा भी ग्वालियर में हुई। वहाँ के हाई स्कूल हायर सेकेंडरी होता था पहले, तो हायर सेकेंडरी पास आउट करने के बाद हमने फाइन आर्ट्स कॉलेज और यूनिवर्सिटी कॉलेज दोनों में एक साथ एडमिशन लिया। उस वक़्त ये सुविधा थी 60s में कि आप दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ सकते थे, और क्योंकि मेरी रुचि फाइन आर्ट्स कॉलेज के स्टूडेंट्स के को काम करते लैंडस्केप करते देख के डेवलप हुई थी, उस सड़क के किनारे या किसी गली में या ऐसे बैठ के लैंडस्केप करते थे, और तब मुझे पता लगा कि इसका इस शिक्षा के लिए एक कॉलेज भी है और इसकी पढ़ाई होती है। और बचपन में तो जैसे पहले या दूसरे क्लास में होते थे तो जो ड्राइंग में टीचर कराती थी वो ही सब किया था, जो कुछ करने को ड्राइंग बुक मिलती थी उसको करने में, तो उतना थोड़ी रुचि थी कि ड्राइंग कर लिया। मगर इन लोग को लैंडस्केप पढ़ते देखा, सड़क के किनारे बैठे कभी पेड़ बनाते, झोंपड़ी बनाते, घर बनाते, तो थोड़ा सा पता लगा कि ये इसकी एक शिक्षा होती है, तो मन में आया कि इसकी एक शिक्षा लेनी चाहिए। तो पता किया कि ये आर्ट कॉलेज कहाँ पर है क्या है, तो जब मालूम पड़ा कि वो हाई स्कूल या हाई सेकेंडरी पास करने के बाद जो है एडमिशन मिल सकता है, तो जब जैसे ही पास किया तो हमने उसमें एडमिशन ले लिया। और सामने यूनिवर्सिटी कॉलेज था फाइन आर्ट्स कॉलेज के सामने ग्वालियर में, तो उसमें भी एडमिशन ले लिया। तो इधर यूनिवर्सिटी की पढ़ाई और इसकी पढ़ाई, तो दोनों की टाइमिंग बड़े अलग अलग थे। मतलब फाइन आर्ट्स कॉलेज सुबह 7 बजे से 10:30 तक लगता था, फिर शाम को 4 बजे से 7 बजे तक लगता था, और यूनिवर्सिटी का कॉलेज था वो 11 बजे से 2 या 2:30 बजे तक ऐसे लगता था। तो सारा टाइम इन दोनों कॉलेज के बीच में चूँकि आमने सामने थे तो वहीं गुजर जाता था, और रात में घर में लौटते थे 8 बजे करीब। तो इस तरह से वो शिक्षा इसमें पूरी हुई। मगर इसी दौरान जब हम शिक्षा ले रहे थे तो मैंने करीब जो है जो 70s में ये चित्रकला का डिप्लोमा पूरा किया, और उसके बाद स्कल्पचर में एडमिशन ले लिया कि क्योंकि उसके बाद समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें। फिर 74 तक मैं उस कॉलेज में रहा, स्कल्पचर का भी डिप्लोमा पूरा किया, नेशनल डिप्लोमा। इसी दौरान वहाँ पर ललित कला अकादमी दिल्ली का एक आर्टिस्ट कैंप स्कल्पटर कैंप हुआ, तो उस दौरान मैं बहुत सारे आर्टिस्टों के संपर्क में आए और बहुत से ख्याति नाम जो स्कल्पटर थे उनसे परिचय हुआ, और उनके साथ काम करने इंटरेक्शन करने से बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। तभी ये समझ में आया कि ललित कला अकादमी भी है। उस कैंप में देश के बड़े ख्याति प्राप्त जाने माने स्कल्पटर थे, V.R. खजूरिया, कुलकर्णी, राम छटपार, बलबीर सिंह कट, शंको चौधरी, तो ये सारे लोगों के साथ मिलना जुलना और ये सारी आर्ट के फील्ड के बारे में पता लगना, ललित कला अकादमी के बारे में पता लगना कि उसने ऑर्गेनाइज किया था ये, तो एक महीना वो कैंप चला था, तो अच्छी खासी दोस्ती भी हुई थी। उसके बाद फिर ये नेशनल एग्जीबिशन हुई तो पूरा कॉलेज ही करीब करीब वो देखने के लिए गया, तो बहुत वो सारी एग्जीबिशन देखने के बाद आपका जो दृष्टि और विकसित होती है, पता लगता है कि कैसे लोग अपने काम को डिस्प्ले करते हैं और उसमें क्या कंपटीशन होता है, कैसे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें मतलब उनके संपर्क में आने से वो विज़न खुलता गया और पता लगता गया ये सारी चीज़ों के बारे में। फिर
जब मैंने ये पास आउट हो गया और फिर भी कुछ कुछ करने का समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, कोई 60 रुपए की कोई नौकरी नहीं थी कि टीचिंग वीचिंग का कोई जॉब कर लें क्या। इसी दौरान जो है ललित का एकेडमी ने घड़ी स्टूडियो की स्थापना की 60s 70s के बीच में, तो वहाँ पे उन्होंने एक स्टूडेंट्स कैंप रखा, आर्ट स्टूडेंट्स कैंप। तो यहाँ से कला परिषद से मेरे को नॉमिनेट करके वहाँ भेजा गया, तो वो 2 महीने का कैंप था। तो मगर मुझे वहाँ पर काम करते करते बहुत मज़ा आया, ग्राफिक नया सब्जेक्ट था मेरे लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में ग्राफिक के नाम पे वुड कट और लिनो कट था और कोई दूसरा मीडियम नहीं था। तो वहाँ जाके देखा तो एचिंग, लिथोग्राफी, ये सब तो ये सारी चीज़ें जो थी तो ये मेरे लिए बड़ी अनजानी थी, और ये इस मीडियम के बारे में जानना बहुत अच्छा लगा और उसमें काम करना बहुत अच्छा लगा। तो देवराज का बड़ा गाइडेंस रहा, हमें उन्होंने बताया और जुगलेकर ने हमें लिथोग्राफी के बारे में समझाया। वो मास्टर थे जुगलेकर, बड़ौदा में भी उन्होंने वो सेटअप किया था जुगलेकर ने ग्राफिक का। तो उनके संपर्क में आने से हम 2 महीने के बजाय 6 महीने रुक के हमने दिल्ली में काम किया। तो वहीं ये स्वामीनाथन जी से मुलाकात हुई और नेशनल स्कॉलरशिप के लिए उनका नाम हमने गुरु के तौर पे दिया, देना एक गुरु का नाम देना पड़ता है नेशनल स्कॉलरशिप के लिए। तो ये ऐसे करके हम स्वामी के संपर्क में भी आ गए, और वो जब ग्वालियर आए तो उन्होंने हमारा काम देखा और हमारे काम करने की जगह देखी। इसी दौरान प्रयाग शुक्ल से भी मुलाकात हुई स्वामी जी के साथ ही। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ मतलब परिचय होता गया। स्टेट एग्जीबिशन के लिए जैसे जूरी में अकबर पदम सी आए थे, उन्होंने हमको पुरस्कृत किया था, तो वो भी हमसे मिलने के लिए कहाँ है क्या है। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते ऐसे उनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे जो मास्टर आर्टिस्ट थे उनसे संपर्क हुआ। फिर भी मगर ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करेंगे। उस वक्त आर्ट फील्ड भी बहुत कम लोग होते थे, और जो ये लोग थे ये भी बड़े स्ट्रगल कर रहे थे जितने भी बड़े कलाकार जो आज हैं। तो वो फिर भी कोई ऐसा रास्ता नहीं दिख रहा था क्या करें क्या नहीं करें। तो हमारी माँ ने एक दिन हमको कहा कि ये सारा अपना डिग्री डिप्लोमा जो है ना दीवार पर टांग दो, हम जो कहते हैं वो करो। तो हथियार डालने के अलावा कोई चारा ही नहीं था कि चलो ठीक है। तो उन्होंने मेरे को इंटर्नशॉप, उस वक्त बहुत फेमस थी 80 की ये 70 के उत्तरार्ध में, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी जीन्स जैकेट जीन्स वगैरह की जो शॉप थी ना, बड़ी नए तरह के कपड़े रेडीमेड कपड़े जीन्स जैकेट वाली, उसमें दो वो होती थी सेल्स गर्ल, इंग्लिश म्यूज़िक और ये सब मेन बाज़ार में मार्केट में सराफा बाज़ार ग्वालियर में एक बड़ा शोरूम खुलवा दिया। वो खैर मन मार के मैं बैठा रहा, एक साल मैंने उसमें किया होगा। एक साल बाद स्वामी जी का मैसेज आया, मेरा एक दोस्त को उन्होंने दिल्ली से भेजा कि यूसुफ को बुला के लाओ भोपाल। वो स्वामी भोपाल में आ गए थे, तो वो सुबह 8 बजे हमको बोला कि स्वामी जी ने बुलाया है। तो हमने कहा चलो चलते हैं। तो मैंने फादर को चाबी दी शॉप की और 12 बजे की गाड़ी से बैठे, ट्रेन में बैठे, और 6 बजे हम इधर आ गए भोपाल। शाम को स्वामी जी के घर में ही चले गए, तो वहाँ खाना वाना खाया और स्वामी जी ने खाने पर ही बातचीत की कि यार एक ऐसा ऐसा म्यूज़ियम बनाना है, काम करोगे क्या। हमने कहा करेंगे। तो बोले यार घर बोल के आ जाओ। हमने कि घर नहीं जा रहे। बोले क्यों। मैंने आने ही नहीं देंगे।
तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ऊपर कमरा खाली है, क्योंकि वो भी तभी आए थे तो कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, तो हम उन्हीं के साथ ऊपर उनके मकान में रहने लगे कमरे में। और फिर जो सारी प्लानिंग थी भारत भवन बनाने की, पहले ये था कि इसको स्टेट म्यूज़ियम बनाया जाए, तो स्टेट म्यूज़ियम बनाना था, तो जो कला परिषद का ऑफिस है उसके पीछे जो ज़मीन पड़ी है वहाँ बनाना था स्टेट म्यूज़ियम। फिर मालूम पड़ा कि अर्जुन सिंह जी ने जब बातचीत हुई तो कहा कि ये जो भारत भवन जहाँ अभी है उसमें ये एम्पोरियम, स्टेट एम्पोरियम की बिल्डिंग बननी थी, वो सारे स्टेट्स के एम्पोरियम आने थे उस जगह पे जो भारत भवन बना रहा था, चार्ल्स कोरिया ने उसको डिज़ाइन किया था, तो वो उन्होंने स्टेट एम्पोरियम्स के हिसाब से बनाए थे कि सब स्टेट्स के एम्पोरियम उसमें आ जाए। तो उन्होंने कहा इस बिल्डिंग को ले लो तो और म्यूज़ियम ऐसा कुछ बना लो। तो फिर उसका पूरा प्लान चेंज हुआ सारा कि इसको यहाँ पे मल्टी आर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। और वो चूँकि श्यामाचरण शुक्ल उस वक्त मुख्यमंत्री होते थे तो उस टाइम से वो बन रहा था, मगर उसमें चट्टाने उड़ाने के लिए जो बारूद भरते हैं ना तो उससे बड़ी आवाज़ होती थी, तो उसने बंद करा दिया था, ये बहुत शोर होता है, तो वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो फिर अर्जुन सिंह के कार्यकाल के दौरान जो है ये हुआ कि चलो इसको बनाते हैं। तो इसमें आप देखना कि 8 फुट की वाल हाइट है वाल की, सीलिंग की। तो अब ये हुआ कि अगर हुसैन की पेंटिंग लगाएंगे या और किसी की लगाएंगे तो वो तो ज़मीन से लेकर छत तक हो जाएगी, तो क्या करें। तो एक पोर्शन फिर 12 फुट ऊंची उसकी हाइट की गई सीलिंग की, तो मगर ये था कि उसकी अगर 12 फुट हाइट करते हैं वाल की तो बजट बढ़ जाएगा। तो बजट स्पेशली उसको बढ़ा के अर्जुन सिंह से पास करा के फिर उसका, तो एक पोर्शन थोड़ा सा ऊंचा है, बाकी का आप देखना नीचा है वो छोटा है। तो ऐसे वो जो भारत भवन के बनने से लेके उसके स्थापित होने तक करीब, हमने स्वामी ने 10 साल वहाँ डायरेक्टरशिप की होगी, उसके बाद से फिर मैंने वहाँ पे काम किया, ये 2010 में वहाँ से रिटायर हुआ। मगर ये कि वहाँ रहते रहते उनके साथ काम करते करते बहुत कुछ सीखा, और इवन अब मेरी कोई दिशा नहीं थी काम की, करता ज़रूर था मगर कोई ऐसी दिशा नहीं थी कि हाँ भाई इस तरफ जाना है या इस तरफ ऐसे करना है कुछ करना है। मगर स्वामी के साथ रहते रहते और उनसे बातचीत करते करते जब एक दिन उन्होंने कहा कि हाँ अब ठीक है, तो उस चीज़ को हमने पकड़ लिया कि जैसे ही बोला कि ये ठीक है तो उस रास्ते पे चलना शुरू किया। और उस रास्ते पे चलते चलते धीरे धीरे काम करते करते जो पहला इंटरनेशनल अवार्ड मिला अंकारा बैनाल का तुर्की में, तो उससे बड़ा मिला बल मिला काम करने का। और फिर नेशनल अवार्ड भी मिल गया था उसी दौरान। तो ऐसे 3-4 बड़े बड़े अवार्ड मिले, तो फिर बिल्कुल उसमें पूरी तरह से जो है हमने उसके अलावा और कुछ देखे नहीं, आर्ट ही किया, पूरी तरह से आर्ट में लिप्त हो गए। स्वामी के साथ असल में रोज़ ही एक अच्छा मोमेंट होता था, क्योंकि वो उनके जो विचार शक्ति थी, उनकी जो कल्पना शक्ति थी, और वो जितने इंटेलिजेंट थे ना, मेरे को तो आज तक कोई दिखा ही नहीं पूरे उसमें। हालांकि मैं अकबर पदम सिंह या रजा राम कुमार इन सब लोगों से बड़ा अच्छा परिचय था, और इन सब के साथ रहा भी बहुत अच्छे तरीके से रहा, मगर रोज़ाना डे टू डे जैसे बातचीत होती थी, मतलब मैं स्वामी के साथ लंच करने आते वो मेरे घर में आके लंच ही होता था, फिर डिनर भी मेरे साथ ही होता था, तो मेरा बहुत सारा टाइम उनके साथ बीतता था। मतलब
मैं आपको बता नहीं सकता था कि सुबह से लेकर रात तक, मतलब मैं उनके साथ जब तक वो सोने नहीं चले जाएं मैं साथ में रहता था। तो और उनके साथ रहते हुए बहुत सारी चीज़ों पे बातचीत और बहुत सारी चीज़ों की समझ, मतलब कला की जो समझ जो है वो उन्हीं से मिली, तो इसलिए वो सारी चीज़ें मतलब मेरे लिए तो बड़ी यादगार हैं और बड़ी उस तरह से हैं कि उनकी वजह से मैं आज इस स्थिति में हूँ कि मैं आपसे बात कर सकता हूँ या किसी और से बात कर सकता हूँ। थोड़ी बहुत जो समझ उनसे मिली कला की वो उन्हीं से ही मिली, नहीं तो स्कूल में या कॉलेज में जैसे होता है वो सिलेबस के दायरे में रहता है, तो वो एक आप में उस तरह की चेतना नहीं जगाते, बस एक जागरूकता पैदा कर देते हैं कि भाई ये चीज़ है, उसको आगे बढ़ाने की जो चेतना होती है वो तो स्वामी की वजह से मतलब मिली, स्वामीनाथन की वजह से। तो उनके साथ रहने से बहुत सारे लोगों के, जब कभी हम भारत भवन के म्यूज़ियम में घूमते थे उनके साथ, तो मैं कहता था ये पेंटिंग अच्छी लग रही है मुझे अकबर पदम सिंह की, तो वो कहते थे अच्छा इसमें अच्छा क्या है, तो वो काउंटर क्वेश्चन करते थे। और मगर मुझे वो समझाने के लिए भी, मतलब उनका एक तरीका ये था कि अगर आपने किसी को अच्छा किया है बोला है तो उसके विपरीत बोलने की उनमें क्षमता थी, और आपने किसी को बुरा बोला है तो उसके अच्छा बोलने के बीच उनमें क्षमता थी। वो कहते भी थे कई बार कि बताए यूसुफ इधर बोलूँ कि इधर बोलूँ, ऐसे करके बोलते थे। तो वो उनमें जो अद्भुत क्षमता थी वो उस तरह की, और वो तो वो बताते भी थे कि जैसे अकबर की, जैसे मैं बात कर रहा था ना कि मैंने कहा नहीं मुझे अकबर का काम अच्छा लगा, वो जो हमारे म्यूज़ियम में भारत भवन म्यूज़ियम के कलेक्शन में, तो उन्होंने कहा अच्छा तू इसको थोड़ा सा देख, तो वो ऑयल में क्या हुआ काम था, बड़ा फेमस काम है उनका, मगर उसमें कहीं कहीं ऑयल चमक रहा था कहीं कहीं रूखा था। तो उन्होंने बताया कि ये देख, ये जो इसका मतलब ये है कि इन्होंने ठीक से ऑयल मिक्स नहीं किया कलर में। अच्छा उनके जो काम आप देखो जो वर्ड सीरीज के काम हैं उसमें वो घंटों फेंटते रहते थे कलर, मतलब बल्कि हम भी फेंटते थे उनके लिए जब वो तैयार करते थे, तो वो जो, और फिर उसका जो एप्लीकेशन होता था बड़ा इवनली बहुत बढ़िया एक सी चमक के साथ। अकबर ने सिर्फ ऐसे ही ऑयल लेके ऐसे ही लगाया होगा कलर, तो कहीं ऑयल ज़्यादा था कहीं कम था कहीं था ही नहीं, तो इस तरह से वो चीज़ें जो है वो उन्होंने मतलब उनको जो तकनीक है कि एप्लीकेशन की ऑयल के कलर के एप्लीकेशन की या किसी उसके भी, तो वो उस तरह से समझाते थे वो। तो ये बहुत सारी ट्रेनिंग जो है मेरे को उनसे मिल गई, उससे देखने का तरीका आ गया, क्योंकि देखने का तरीका कोई सिखाता नहीं है कि कॉलेज में भी देखने का कहाँ, वो तो सीधे कॉपी करने पे बैठा देते हैं, आप जाओ दो बर्तन रखे या फ्लावर रखा चलो स्टडी करो इसकी कॉपी करो, तो देखना तो सीखना बड़ा मुश्किल ही होता है कि कोई उस तरह, अच्छा सिलेबस में है ही नहीं देखने का क्या तरीका होना चाहिए, कैसे देखें, क्या क्या देखें, क्यों देखें, तो ये देखने के, जबकि ये देखने की कला है और ये सब होना चाहिए था, तो ऐसा कुछ था ही नहीं। तो कॉपी करने का जो था, तो अभी भी जैसे मैं सोचता हूँ कि हिंदुस्तान में जो शुरुआत होती है वो कॉपी करने से होती है, जबकि विदेशों में ऐसा नहीं होता, विदेशों में बच्चों को फ्री छोड़ देते हैं कि आप जैसा भी करो जैसा भी देखें और जैसा भी वो एक्सप्रेस कर सकें, तो वो उस उनके मामले बहुत आगे बढ़े हुए होते हैं। अभी भी हमारे यहाँ सीधा किसी भी आर्ट कॉलेज में चले जाओ तो वो दो बर्तन रख देंगे एक फूल रख देंगे तो और इसको कॉपी करो, तो ये जो तरीका था वो उसमें हमें पता ही नहीं लगता था कि कला मतलब इससे आगे है। ये ठीक है सिलेबस है एक आपको बंधा बंधा ये चीज़ दे दी है जिसमें आपको थोड़ी सी जागरूकता हो जाती है, आपका हाथ ठीक हो जाता है, अगर आपने ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली तो आप चीज़ों को वैसा का वैसा बना सकते हैं, मगर स्वामी कहते थे कि इसमें प्रकृति अपना कभी कला में अपना, कला के आईने में अपना मुंह नहीं देख सकती,
प्रकृति, मतलब आप उसको वैसा का वैसा नहीं बना सकते जैसी है, क्योंकि वो प्रकृति बड़ी अलग चीज़ है और कला बड़ी अलग चीज़ है। तो जब ये सारी चीज़ें समझ में आने लगी, फिर इसमें मूर्त अमूर्त का भी चीज़ समझ में आने लगी, तो ये के मतलब गायत्रोंडे को देखते थे, अंबादास को देखते थे, अंबादास तो यहाँ रहे भी भोपाल में, रेजिडेंसी में रहे, तो ये सारे लोगों से मिलना बातचीत करना, तो इन्होंने बड़ा एक ऊर्जा हमको दे दी, काम करने के लिए बड़ा उत्साहित हो गए और उनका बड़ा आशीर्वाद भी मिलता रहा इन सारे लोगों का।